हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको समझाऊंगी। देखिए, आप सादा सूट में से भी साइड वाली प्लेटेड कुर्ती बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने डबल कपड़ा फोल्ड किया है, यानी ये चार तरह मैंने कपड़ा फोल्ड किया है। यहाँ से मैं गले का नाप ले रही हूँ। अगर आपके पास एक ही प्रिंट का कपड़ा है तो दोनों बैक साइड और फ्रंट पर आप एक साथ निकाल सकते हो। यहाँ मैंने 7 इंच का इसका तीरा लिया है और आधे इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है, यानी 7.5 इंच का। इसके फिटिंग के जो भी निशान रहेंगे सबको मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने 7 इंच के मुड्ढे के निशान लगाए हैं और यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैंने चेस्ट के निशान से नीचे को 12 इंच पर एक निशान लगाया है, ये देखिए। और यहाँ इसके बीच में यानी 6 इंच पर मैं यहाँ पर एक पेटी का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं पेटी का नाप लगाऊंगी, इसलिए मैंने 6 इंच पर एक निशान लगाया है। और चेस्ट इसका लिया है हमने 8 इंच और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। और पेटी ली है हमने इसकी 7 इंच। यहाँ पर हम 1/2 इंच का निशान लगाना भूल गए थे, अब मैंने लगा दिया है। और यहाँ पेटी हमने लिए 7 इंच और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। यहाँ पर हिप लिए हमने इसके 9 इंच और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। आपको जितनी भी फिटिंग रखनी है 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान ही लगाने हैं, क्योंकि इसको हम बीच से कट करेंगे। इसलिए 14 इंच के हम कोटी रखेंगे इसकी, इसलिए हमने 14 इंच पर ये निशान लगाना है आपको। ये हमारा कोटी का निशान लग चुका है और यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगा रहे हैं। ये जो निशान लगा रहे हैं, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमें निशान ऊपर से नीचे तक लगाना है, 4 इंच का निशान। ये देखिए, हम नीचे साइड भी 4 इंच का ही निशान लगा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इंच टेप को रखकर ये निशान को पूरा कर लिया है। नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर बराबर हमें ये निशान लगाना है। आपको अपनी कुर्ती की जो भी लेंथ रखनी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। यहाँ नीचे की साइड भी मैंने 4 इंच का निशान लगाकर इसको सीधा कर लिया है पूरा। और यहाँ पर मैं मुड्ढे के निशान लगा रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ नीचे की साइड तक, यानी यहाँ जहाँ तक हमारी कोटी रहेगी। सिर्फ निशान वहीं तक लगाना है जहाँ तक हमारी कोटी रहेगी। यहाँ पर कटिंग होगी हमारी। ये देखिए, 4 इंच के निशान हमने यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे लगा लिए हैं। आइए इसकी कटिंग करते हैं हम। कटिंग हमें बाहर वाले निशान पर करनी है और यहाँ पर हमने दोनों पर एक साथ कटिंग करनी है, तो इसलिए हमें मुड्ढे के निशान बाहर वाले एक और लगाने हैं, जो बैक साइड की कटिंग होगी। और फ्रंट साइड के हम बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे मुड्ढे की। इसका प्रिंट बिल्कुल एक जैसा है आगे पीछे का, कोई ऊपर नीचे इसमें पत्ती नहीं जा रही, इसलिए मैं दोनों पर एक साथ कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, हम बस यहीं तक इसकी कटिंग करेंगे, बस यहाँ तक, जहाँ तक हमारा पेटी का निशान है, यानी 14 इंच का। और इसको हमें इस तरीके से सीधी कटिंग करनी है हमें। आइए हम इसकी जो हमने 4 इंच का निशान लगाया वहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। इसको हमें ऊपर तक इसी तरीके से सीधे कटिंग करनी है। या 4 इंच की हमने ये निशान लगाया था, और यानी 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था दबाव के लिए, जो हमारे सिलाई में दबाव रहेगा। ये हमने साइड की भी कटिंग कर ली है और ये कपड़े की जो है हमारी साइड की कटिंग, इसको भी अब हम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ से पूरी कटिंग करनी है। ये साइड वाले कपड़े की हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। ये देखिए, कुर्ती हमारी कट चुकी है। अभी हम इसकी स्लीव्स भी आपको काट कर दिखाएंगे। स्लीव्स में इसके डिज़ाइन की काटूंगी। ये देखिए, ये फ्रंट पट है हमारा और बैक पट दोनों साथ में काटे हैं हमने। ये इसकी कोटी भी कट चुकी है। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसकी प्लेटें हम यहाँ से इस तरीके से इसमें डाल देंगे। आइए हम इसके स्लिप्स काटते हैं। ये चार तरह मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा किनारी साइड से बीच में रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने ये 7 इंच पे एक निशान लगाना है और इस तरीके से मैंने ये सीधा निशान लगा लिया है, जो मैंने 7 इंच पर निशान था। देखिए, मैं डिज़ाइन की बाजू बना रही हूँ और 7 इंच के मैंने इसके मुड्ढे रखे थे, इसलिए मैंने 7 इंच का निशान मुड्ढे का लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। फिटिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, हमने स्लिप्स डिज़ाइन की काट रहे हैं। इसमें मुड्ढे पर ऊपर की तरफ को इसमें प्लेटें डाल दूंगी, बहुत ही खूबसूरत बाजू लगती है ये बनने के बाद। देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसमें प्लेट डालूंगी, ये प्लेट वाली बाजू बनाऊंगी मैं यहाँ पर। और नीचे हम इसके ट्राउज़र का कपड़े के नीचे सिंपल कपड़ा लगाएंगे ट्राउज़र का। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके नीचे की साइड में जितनी हमें लेंथ रखनी है स्लीव्स की, इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने नाप के हिसाब से कम ज़्यादा लेंथ कर सकते हो।
ये देखिए मैंने इसकी पूरी लेंथ ले ली है। यहाँ पर हमने 7 इंच जो नीचे निशान लगाया था प्लेट छोड़कर, यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऊपर हमारा 7 इंच ये प्लेट का एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा और जो लेंथ नापनी है वो 7 इंच ऊपर छोड़कर नीचे से हमें इसकी लेंथ लेनी है। बाजू की कटिंग भी देखिए फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है। ये हमारी साइड प्लेटेड कुर्ती कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर साइड में हमें इसकी प्लेटें डालनी है। इस तरीके से हम इसको प्लेटों को डालने के बाद यहाँ से और सिलाई से इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ से फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसको। आइए इसकी हम आपको सिलाई करके बताते हैं। पहले हमने ये एक पर्त लिया है और इसमें इसको हमें जॉइंट करना है। आप चाहो तो एक साथ प्लेट डाल सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग डाल सकते हो। मैं पहले आपको प्लेट डाल के बताती हूँ, बाद में मैं इसकी कोटी जॉइंट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ। देखिए प्लेट में अपनी साइड डाल रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये प्लेट मैंने अपनी साइड डाली है। अब इसमें मैं कोटी जॉइंट कर लूँगी। जो साइड वाली कोटी काटी थी हमने साइड से, इसको हमने ये जॉइंट कर लिया है। और दूसरी साइड की जो मैं प्लेटें डाल दूंगी वो मैं ऊपर साइड को डालूंगी। ये प्लेटें मैंने नीचे साइड को डालूंगी। ये देखिए एक साइड का तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे साइड का भी बताती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड का है, इसकी प्लेटें हम ऊपर को डाल रहे हैं। देखना पहले हमने प्लेटों को अपनी तरफ डाला था यानी नीचे की तरफ, इन प्लेटों को हम ऊपर की तरफ डाल रहे हैं। इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कोटी के बराबर ही हमें प्लेट डालनी है। इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे और ये हमारी प्लेट डल चुकी है और इसमें हम अब कोटी को अटैच कर देंगे। ये देखिए हम इसको सिलाई से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स ये साइड प्लेट कुर्ती बहुत ही इजी है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और बनने के बाद भी ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ऊपर हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा ली है दोनों में। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है ऊपर की तरफ, दोनों साइड की हमने प्लेटें डाल ली हैं। और यहाँ पर हम फ्रंट साइड का बीच वाला हिस्सा लगाएंगे। चाहो तो आप बैक साइड का पर्त भी लगा सकते हो। दोनों में सेम बराबर, बिल्कुल बराबर ही प्लेट डालनी है और बराबर ही इसको रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये, मैं फ्रंट साइड का पर्त ले रही हूँ और इसको यहाँ से हम इसको सिल देंगे। देखिए हम इसको यहाँ से सिल देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ। अब इसको हम यहाँ से सिलाई से इसको जॉइंट करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमें नीचे तक सीधी सिलाई लगानी है, दोनों साइड हमें इसकी सिलाई से जॉइंट करना है। फ्रेंड्स अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं उसी की आपके लिए अपलोड कर दूँगी। इसी तरीके से हम इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। अब एक साइड की हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें बैक साइड का पर्त भी तैयार करना है। ये देखिए हमारी दोनों साइड की सिलाई लगभग लग चुकी है। फ्रेंड्स आप सिंपल सूट में से भी ये कुर्ती बना सकते हो। अगर उस पर गले में कढ़ाई नहीं है तो भी आप उसको बना सकते हो। आप लेस या गोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन इस पर प्रिंट था तो मैंने इस पर लेस या गोटा नहीं लगाया है। देखिए फ्रेंड दोनों साइड की प्लेटें हमारी डलकर तैयार हो गई हैं, बीच की सिलाई भी हमने लगा ली है और इसी तरीके से हमने बैक साइड का पर्त भी तैयार कर लिया है। ये मैंने कपड़ा लिया है और इसको मैं यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगाऊंगी। फ्रेंड्स मैं इसमें टैट्रॉन या बुकरम नहीं लगा रही हूँ, इसमें कढ़ाई है गले में तो मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े का ही गला बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच में एक सिलाई लगाई है और अब ये जो कढ़ाई है इसके बराबर बराबर मुझे गले की सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए इसके बराबर जो कढ़ाई आ रही है इसी के बराबर हमें लगानी है। कढ़ाई के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बराबर लगानी है और दूर भी नहीं लगानी है हमें इसकी सिलाई। पहले आपको गले नाप लेना है कि गला अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप पहले गले को छोटा कर लें, उसके बाद ये सिलाई लगाएं। ये देखिए हमारी लग चुकी है सिलाई और इसके बाद अब हम बीच वाले अंदर वाले जो कपड़ा है बीच में इसके हमारे इसको कटिंग कर देंगे। सिलाई से अलग ही हमें कटिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसका छोड़ना है। जो कपड़ा हमने छोड़ा है सिलाई तक हमें कहीं कहीं इसमें कट लगाने हैं ताकि अच्छे से हमारा गला अंदर की साइड पलट जाए। ये जो कपड़ा लिया है हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे और हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसमें ही छोड़ना है और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है और फिर इसको हमें सिलाई से फोल्ड करना है। इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसमें हम बारीक सी पाइपिंग भी निकालेंगे साथ में ही। आप चाहो तो पाइपिंग निकालो, आप चाहो तो पाइपिंग मत भी निकालना। मैंने इसमें एक बारीक सी पाइपिंग निकाली है, कपड़े की अच्छी लग रही थी तो मैंने बहुत ही बारीक सी एक पाइपिंग निकाली है।
इस तरीके से देखिए मैंने गले को तैयार कर लिया है। देखिए गले की हमारी सिलाई भी लग चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कहाँ से मेरी बताने का तरीका समझ में नहीं आया है। ये देखिए हमारा गला कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। देखिए ये गला हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारा बैक साइड है जो हमने तैयार कर लिया है। बैक साइड को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमें इसके बैक साइड का गला काटना है। हम इसके नेक की कटिंग करनी है हम, और जो हमने फ्रंट पट लिया है इसको इस तरीके से हमें इसके मुड्ढे बराबर नापने हैं। यहाँ पर हमने मुड्ढे के बराबर नापकर चौक का निशान लगा लिया है। और आप जितना भी चाहो थोड़ा गहरा भी कर सकते हो, कम गहरा भी कर सकते हो, गला अपने नाप के हिसाब से कर सकते हो। मैंने बहुत छोटा सा गला बनाया है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इसके बैक साइड के गले बनाते हैं। मैंने ये और भी पट्टी कटिंग कर ली है। इस पट्टी को मैं बैक साइड में मतलब कि उल्टे कपड़े पे लगा रही हूँ, उल्टे साइड में लगा रही हूँ, और ये सीधी तरफ इस पट्टी को मैं पलट दूँगी। देखिए तो ये मैं पट्टी उल्टी तरफ लगा रही हूँ। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब ये देखिए हम इस पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड कर रहे हैं। ये मैंने पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड किया है। ये पट्टी मैंने इसके ट्राउज़र की ली थी, यानी कपड़ा जो था इसके ट्राउज़र का, तो गले पर अच्छा सा एक डिज़ाइन आ गया है। इस तरीके से मैंने दोनों गले आगे के और पीछे के दोनों कपड़े से ही तैयार कर लिए हैं। मैंने इसमें टेटरन या बुकरम नहीं लगाई है। देखिए गला हमारा बन चुका है। अब इसकी हम तीरा जॉइंट करेंगे। इसकी बाजू मैं डिज़ाइन की बनाने वाली हूँ। इस तरीके से हम देखो इसके तीरे पर दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम इसके तीरे की सिलाई लगा चुके हैं एक साइड से, इसको हम पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। और इसकी बाजू मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मैंने उसमें चुन वाली बाजू बनाई है, जो ऊपर की साइड चुन डालते हैं मुड्ढे पर। दोनों गले हमारे देखिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसके स्लिप्स लगाएंगे। पहले हम स्लिप्स में डिज़ाइन डाल लेते हैं। देखिए बीच में मैंने सिलाई लगा ली है स्लिप्स के। अब यहाँ पर मैं साइड में इसकी प्लेट डालूंगी। तीन प्लेट इधर डालूंगी और तीन प्लेट मैं इधर डालूंगी। प्लेट ध्यान रखना है आपको ऊपर की तरफ ही प्लेट डालनी है। मैं सीधे कपड़े पर प्लेट डाल रही हूँ और देखिए प्लेट मैं ऊपर की तरफ डाल रही हूँ। बीच का निशान आ जाएगा तो फिर प्लेट हम दूसरी साइड से डालना शुरू कर देंगे। ये देखिए मैंने तीन से चार प्लेट डाली है। बीच का हिस्सा आ गया है, यानी बीच का सिलाई आ चुकी है। और उसके बाद हम प्लेटों को ऊपर की तरफ डाल रहे हैं। जैसे कि हम धोती वाली सलवार में डालते हैं प्लेट, उसी तरीके से हमें बाजू में प्लेट डालनी है। इसी तरीके से हम दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। ये देखिए प्लेटें हमारी डलकर तैयार हो गई हैं। अब आपको हम स्लिप्स लगाकर बताते हैं। इसका बीच में आपको कट लगा लेना है। मेरी सिलाई है तो मैं सिलाई के हिसाब से इसको इस तरीके से रख लूँगी। और बिल्कुल बराबर रखने के बाद मैं यहाँ पर इसकी सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से हमें दोनों बाजू को इसमें जॉइन करना है। देखिए बहुत इजी तरीके से आप चढ़ा सकते हो इस तरीके से बाजू। अगर आप बाजू को बाद में चढ़ाते हो फिटिंग लगाने के बाद, तो आप उस तरीके से भी बाजू को लगा सकते हो। ये देखिए बाजू हमारी लग चुकी है। देखिए फ्रेंड्स स्लिप्स हमारी लग गई है और ये हमने यहाँ पर चुन वाली बाजू बनाई है। और अब हम इसकी फिटिंग लगा रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे और फिर नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। हमें अपने चौक के निशान पर ही इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारी ये देखिए साइड प्लेटेड कुर्ती तैयार हो गई है। हमें दोनों साइड की फिटिंग लगा लेनी है और फिर हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप इसको नीचे से फोल्ड भी कर सकते हो या फिर पीको भी करवा सकते हो। फ्रेंड्स अभी मेरी कुर्ती सिल चुकी थी तो मैं घर पर नहीं थी और ये कुर्ती बहुत दूर जा चुकी थी, जिसकी थी वो ले गए थे अपनी कुर्ती को, और मैं इसके फ़ोटो नहीं ले पाई थी। और सिलने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, इसलिए मैंने ये फ़ोटो लगाए हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं तैयार होने के बाद फ़ोटो नहीं ले पाई थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं